हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन भंडार में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज अपनी संविधान की चार क्लासें हो चुकी थी, आगे है अपनी आज की क्लास है पांचवी क्लास है, जो कि देखिए आज है अपने संविधान के स्रोत। संविधान के स्रोत क्या है, इसका मतलब है दोस्तों कि अपन ने जो अपने संविधान में कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे, क्या क्या लिया था, क्या क्या नहीं लिया था, इसके बारे में अपन आज चर्चा कर रहे हैं, जो कि अपन ने दूसरे देश विदेशों से लिए गए हैं जो शब्द हैं। जैसे कि देखिए, एकल नागरिकता है, संसदीय शासन है, ब्रिटेन है, अमेरिका है, रूस है, इनसे लिए गए अपने शब्द हैं। ठीक है, क्या क्या लिया है अपन आगे देखते हैं। देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 में अपन ने क्या जोड़ा, देखिए 1935 में अपने भारत के शब्द हैं, जो कि देखिए न्यायपालिका अपने भारत का है, भारतीय भारत शासन अधिनियम में शामिल किया गया था। क्या? न्यायपालिका और कैग और लोक सेवा आयोग, क्या लोक सेवा आयोग और कैग अपन ने शामिल किए थे। ठीक है, और जो ब्रिटेन है, जैसे ब्रिटेन से अपन ने क्या लिया, ब्रिटेन से लिया अपन ने एकल नागरिकता। क्या लिया? एकल नागरिकता। देखिए, एकल नागरिकता से अमेरिका में है दोहरी नागरिकता है। जैसे कि एकल का नागरिकता का मतलब है जैसे अपने केंद्र शासित प्रदेश और राज्य सरकार, ठीक है, यानी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में संबंध, तो इनके बीच में अपनी एकल नागरिकता का मतलब है केंद्र सरकार राज्य सरकार, अपन को दोनों नियम लागू होते हैं, वही राज्य में होते हैं और वही केंद्र में होते हैं, और जो अलग अलग होते हैं केंद्र और राज्य में, कहां पर है ऐसा, अमेरिका में है। ठीक है, तो एकल नागरिकता हो गई। और अपन ने क्या लिया, संसदीय शासन व्यवस्था ली, कहां से ली, ब्रिटेन से, कहां से ली, ब्रिटेन से, ब्रिटेन से ली एकल नागरिकता और संसदीय शासन व्यवस्था। क्या लिया? एकल नागरिकता और संसदीय शासन व्यवस्था। और राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता, राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता, क्या, राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता। और एक न्यायिक प्रणाली, क्या लिया, एक न्यायिक प्रणाली लिया। जे ऑब्जेक्टिव में आते हैं क्वेश्चन, देखिए पेपर में इनको ध्यान से पढ़े। देखिए कैसा पूछा जाता है कि ब्रिटेन से क्या लिया गया है, एक ऑप्शन जे दे दिया, एक ऑप्शन जे दे दिया, एक दूसरा दे दिया, दूसरे दे दिए, तो एक अपना एक ऑप्शन में जे दे दिया, तो ब्रिटेन से क्या लिया, एकल नागरिकता लिया, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, एकल नागरिकता हो गया, संसदीय शासन व्यवस्था हो गया, राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता, क्या, राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता, और क्या है, एक न्यायिक प्रणाली, एक न्यायिक प्रणाली, विधि का शासन, विधि का शासन लिया, सर्वाधिक मत देने के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय कहां से लिया अपन ने, ब्रिटेन से लिया। और क्या, द्विसदनीय व्यवस्था, क्या, द्विसदनीय व्यवस्था लिया, ठीक है, कहां से, ब्रिटेन से। और क्या है, लोकसभा मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व, किसमें है, जी अनुच्छेद 75(3) में है, क्या है, लोकसभा मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व। ठीक है, अगला है अपना आयरलैंड से क्या लिया, आयरलैंड से लिया राज्य के नीति निर्देशक तत्व, क्या लिया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी, क्या लिया, डीपीएसपी। ठीक है, अपन आगे इनको अच्छी तरह से पढ़ेंगे, इनको अपन अच्छी तरह से पढ़ेंगे कि भाग किसमें है, किस अनुच्छेद में है। ठीक है, अच्छे से ध्यान से पढ़े अपन और आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आयरलैंड से क्या लिया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिया। ठीक है, और क्या लिया, राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत, क्या, 12 सदस्यों को मनोनीत, किसमें, क्षेत्र में, जैसे क्षेत्र में है साहित्य है कला है, ऐसी चीजों में अपन ने क्या लिया, 12 सदस्यों को मनोनीत किया। ठीक है, मनोनीत क्षेत्र, जैसे कला है, विज्ञान है, सामाजिक सेवा है, साहित्य है, क्या है, कला, विज्ञान, सामाजिक सेवा और साहित्य है। ठीक है, आय समझ में। और अपन ने क्या लिया, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, क्या, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, अपन राष्ट्रपति को पढ़ेंगे कि अनुच्छेद किसमें है, अनुच्छेद 52 में है, क्या है, क्या नहीं होगा, अपन आगे पढ़ेंगे अच्छी तरह से, बेहतरीन तरीके से आर्टिकल को अपन सभी को पढ़ेंगे। ठीक है, आने वाले समय में, आने वाली क्लासों में, जो कि अपने आर्टिकल ही शुरू होने वाले हैं। ठीक है, तो आज अनुच्छेद 54 में क्या है, जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल है, किसमें है, अनुच्छेद 54 में। ठीक है, तो लोकसभा सदस्य है, राज्यसभा के सदस्य है, विधानसभा है, तो इनको अपन अच्छी तरह से और भी पढ़ेंगे। देखिए, जैसे इनको मतलब बताया कि 54 में लोकसभा सदस्य है, राज्यसभा के सदस्य है, विधानसभा है। ठीक है, तो अपन ने क्या है, भारत शासन अधिनियम से क्या लिया, न्यायपालिका, कैग, लोक सेवा आयोग, ब्रिटेन से क्या लिया, एकल नागरिकता, संसदीय शासन व्यवस्था, राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता और एक न्यायिक प्रणाली और विधि का शासन, सर्वाधिक मत देने के आधार पर चुनाव
जिसका निर्णय विधि का शासन सर्वाधिक मत हो चुका है अपना द्विसदनीय व्यवस्था लोकसभा मंत्रिमंडल का संयुक्त उत्तरदायी इसमें अनुच्छेद 75(3) में है। ठीक है, आयरलैंड का राज्य की नीति निर्देशक तत्व हो गया। राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनीत, इनका क्षेत्र है कला विज्ञान सामाजिक सेवा और साहित्य। तीसरा है राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल हो गया, अनुच्छेद किसमें है लोकसभा सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और विधानसभा के सदस्य। ठीक है जी, अपन और आगे है। चलते हैं दोस्तों आगे है अमेरिका। अमेरिका से क्या लिया, अमेरिका से लिए मूल अधिकार, क्या लिया मूल अधिकार और उपराष्ट्रपति पद का, उपराष्ट्रपति पद का और राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग। महाभियोग जैसे क्या है अनुच्छेद कितने में है, अनुच्छेद 61 के तहत। क्या राष्ट्रपति पर महाभियोग किसके तहत लगाया जाता है, अनुच्छेद 61 के तहत। ऐसे अपन सब बारी बारी से सभी आर्टिकल पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो अमेरिका से और क्या लिया स्वतंत्र न्यायपालिका, क्या लिया स्वतंत्र न्यायपालिका और क्या लिया वित्तीय आपातकाल और क्या लिया प्रस्तावना का विचार। ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया, किस देश से लिया अमेरिका से, किससे लिया अमेरिका से। ठीक है, और क्या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को पद से हटाना कहां से लिया अमेरिका से। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया, और ऑस्ट्रेलिया से लिया प्रस्तावना की भाषा, किसकी प्रस्तावना की भाषा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसे कि प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है, तो किससे ऑस्ट्रेलिया से, और जैसे ऑप्शन में रहेगा अमेरिका है कनाडा है जापान है ऐसे देशों के नाम पूछे जाएंगे, तो किससे लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है प्रस्तावना की भाषा। ठीक है, और क्या दिया संबंधी सूची, केंद्र व राज्य के संबंध, केंद्र व राज्य के बीच संबंध। ठीक है, और क्या दिया संसद का संयुक्त अधिवेशन, संसद का संयुक्त अधिवेशन और क्या है शक्तियों का विभाजन, क्या शक्तियों का विभाजन। ठीक है, कनाडा से किया लिया, कनाडा से लिया संघात्मक व्यवस्था, क्या लिया संघात्मक व्यवस्था और क्या लिया सशक्त केंद्र, क्या सशक्त केंद्र और राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति कहां से ली, राज्यपाल में राज्यों में जो राज्य होते हैं राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कहां से ली है कनाडा से, कहां से ली है कनाडा से। ठीक है, जापान से किया लिया, जापान से लिया आर्टिकल जो 21 है अनुच्छेद 21 में वर्ण जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है जो कहां से ली है जापान से ली है, तो आर्टिकल जो अनुच्छेद 19 आर्टिकल 21 में जो विचार लिए गए हैं तो कहां से लिए गए हैं, जो विधि स्थापित की गई है कहां से जापान से। रूस से क्या लिया, रूस से लिया है मूल कर्तव्य, क्या लिया मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श, क्या लिए प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श लिए हैं। ठीक है, फ्रांस से क्या लिया, फ्रांस से गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, क्या लिया गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था लिए है। ठीक है, और क्या लिया स्वतंत्रता समानता बंधुत्व सत्य लिए हैं, किससे फ्रांस की क्रांति से। ठीक है, कहा जब फ्रांस की क्रांति से, कहा से फ्रांस से। ठीक है, जर्मनी, जर्मनी से क्या लिया आपात उपबंध, क्या लिए आपात उपबंध, किससे लिए जर्मनी से लिए है आपात उपबंध। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया है संविधान, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कैसे, जैसे अनुच्छेद किसने में अनुच्छेद 368 में क्या है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, वैसे उस कहां से लिए गए हैं दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, अमेरिका से क्या लिया मूल अधिकार, राष्ट्रपति का पद और राष्ट्रपति पर महाभियोग, स्वतंत्र न्यायपालिका और वित्तीय आपातकाल और प्रस्तावना का विचार, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजों को पद से हटाना। ऑस्ट्रेलिया से लिया प्रस्तावना की भाषा और संबंधित सूची और केंद्र व राज्य के बीच संबंध। ठीक है, संसद का संयुक्त अधिवेशन और संयुक्त का विभाजन, शक्तियों का विभाजन। ठीक है, कनाडा से लिया है संघात्मक व्यवस्था और सशक्त केंद्र, राज्यों में राज्यपालों की नियुक्तियां। जापान से लिया आर्टिकल 21 में वर्णित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, शुरू से लिया मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श, और फ्रांस से क्या लिया गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। ठीक है, और स्वतंत्रता समानता बंधुत्व शब्द लिए हैं कहां से, फ्रांस की क्रांति से लिए हैं। ठीक है, जर्मनी से क्या लिया आपातकाल उपबंध, और दक्षिण अफ्रीका से लिया संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ठीक है, और सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था किससे, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत
उसमें 250 के लगभग आर्टिकल जोड़े गए थे, ठीक है, भारत में शामिल किए गए थे, उस पर जाना सबसे सबसे महत्वपूर्ण था वो, क्या, भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है, मैंने पहले भी बता दिया था आपको, ठीक है, और इसे आप एक दो बार जरूर पढ़ लें, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, और सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपको पता ही होगा, ठीक है। तो वीडियो थोड़ी सी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।